हेलो, पैसे पहुंच गए ना? ठीक है, तुम उसे वहां लेके आओ। बस नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, बस उसे वहां तक लेकर आओ। मुझे सिर्फ एक मजाक करना है। माधुरी एक बात तो बता। क्या? पहले तो मैंने तेरे से कितनी बार कहा कि चल लोकंड वाला चलते हैं, पर तूने मना कर दिया कि कोई देख लेगा, आज टाइम नहीं है। फिर आज क्या हुआ? बस ऐसे ही मूड आ गया, सोचा कि इतने हैंडसम लड़के के साथ चलूंगी तो लोग क्या कहेंगे। कल तो तू कह रही थी कि मेरी शक्ल डोनाल्ड डक जैसी लगती है, फिर आज मैं हैंडसम कैसे हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। हे भगवान, आज बचा ले। दिल चाहता है कि जिंदगी भर तुम्हारी नीली नीली आंख में ऐसी बैठी रहूं। क्या हुआ, आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। तुम्हारे साथ का असर है। अच्छा वो देखो, वो एक फोटो स्टूडियो है और वहाँ पर एक स्पेशल बूथ है। उस बूथ में तुम बैठकर अपने आप की फोटो खींच सकते हो। एक के बाद एक फोटो बाहर आती रहेगी। क्या, अपनी फोटो अपने आप खींच रही? हाँ, और तुम कम से कम 7-8 फोटो तो खींचना और अलग अलग पोजेस में खींचना। एक शाहरुख, एक ऋतिक, एक शाहरुख को ऋतिक को बोलना मत। तो ये लो, ये है वो स्टूडियो। अरे सुनो, इसे ना वैसी फोटो खींचानी है जैसे परसों मैंने ली थी। अरे कितनी जल्दी भूल गए, परसों तो बहुत हंस हंस के बात कर रहे थे। ओहो, वही 5-5 रुपए वाली, एक साथ 10 फोटो। अच्छा अच्छा, ये वाली सेल्फ फोटो, अपनी फोटो अपने आप। हाँ हाँ, यही वाली, ये लो। अच्छा सुनो, अरे तुम अपने वहीं पर खड़े हो, आओ ना। और सुनो, वो पोजेस तो तुम्हें याद है ना जो मैंने कहे थे, शाहरुख, ऋतिक, वैसे ही पोज मारो, बहुत हैंडसम लगोगे। ओके ओके, याद रखना। हाँ ये लीजिए, ये एक एक करके स्लॉट में डालिए और आपकी फोटो खींचती जाएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ आप पॉइंट डालेंगे, यहाँ आपको आपकी तस्वीर दिखेगी, पोज दीजिए, ये कैमरा आपकी फोटोग्राफ लेगा और उसके बाद वहां से बाहर आ जाएगी आपकी फोटो। बस या घबरा क्यों रहे हो, अकेले हो, कोई नहीं है और मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। ठीक है अब तुम हंसना बंद करो तो कुछ काम आगे चले। अच्छा फिर दूसरी फोटो, दोबारा से फिर कॉइन डालिए, फिर पोज दीजिए, कॉइन डालते जाइए, आपकी फोटोग्राफ खींची जाएगी। ओके ओके गुड। प्लीज गो। ओके सोच रहा हूँ कि इसकी आंखें निकाली किसने। सर पहली बार देख रहा हूँ कोई किसी स्टूडियो में फोटो खिंचाने आया और उसका खून हो गया है। देखे तो सही कौन है इसका दुश्मन। तुम कहाँ थे जब खून हुआ? मैं तो यहीं पर था सर। अंदर नहीं गए? नहीं सर, आप इनसे पूछ लीजिए, ये भी बाहर ही थी। तुम भी बाहर ही थी? हम वहाँ फोटोग्राफ्स देख रहे थे, वहाँ से फोटोग्राफ्स बाहर निकलती है। तो अंदर कोई नहीं गया? नहीं सर। मैं तुम्हें गधा दिखता हूँ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर। या लंगूर दिखता हूँ? नहीं सर। तुम दोनों बाहर थे?
अंदर कोई नहीं गया तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? उसकी आंखें किसने निकाली? पता नहीं सर, हम लोग तो यहीं थे बाहर। ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों में किसी ने दो छोटे छोटे बम फिट कर दिए। बम? तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं सर। तो ऐसे हवा में फेंके जा रहे हो? यहाँ पे क्या है? सर, इसकी दोनों आंखों में गोली मारी गई है। गोली आंखों से होती हुई पीछे आर पार निकल गई है सर। इसका खून किया गया है। यही तो मैं कह रहा हूं कि कोई ना कोई तो यहां होना चाहिए था जिसने ये किया है। अरे नीचे गिर गई। उठो सर, ये अपने आप खड़े खड़े गिर गए सर। आप ठीक तो है ना? उसका उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तुम ठीक तो हो ना? जी। अब ये गोली अपने आप तो चली नहीं होगी सर। गोली ना कोई तो होगा यहाँ पे जिसने चलाई है ये गोली। कोई तो रास्ता होगा। बाथरूम भी बंद है सर। तुम्हें मालूम था ना यहाँ दरवाजा है? मगर सर ये तो बंद ही रहता है। बहुत गड़बड़ है सर इस स्टूडियो में। शायद ये दरवाजा यहाँ से किसी की चुपके से फोटो खींचने के काम आता है। कौन आया था यहाँ से? सर हम दोनों तो यहीं पर खड़े थे। कोई नहीं आया स्टूडियो में और कोई भी नहीं था सर। अरे कोई नहीं था तो खून हुआ कैसे? सब बंद है। अभी अगर गोली चली है तो गोली कहीं तो मिलनी चाहिए। गोली पार पार चली है, गोली यहीं कहीं होनी चाहिए। यहां बैठा था सर, गोली आंखों में लगी है, आर पार चली गई है तो पीछे है यहां कहीं। ये देखिए सर, गोली लगने के निशान। गोली यहां से टकरा के कहीं गई होगी सर। यहां लगी है मतलब गोली सामने से ही चली है। सामने तो कैमरा है सर। तो फिर गोली कैमरा में से ही चली है। कैमरे से? कैमरा तो ठीक ठाक दिख रहा है सर। कैमरा तो ठीक ठाक है मगर मेरे दिमाग का हलवा बन गया है। अभिजीत, मेरा दिमाग ठीक हो गया है। इतनी जल्दी से? हाँ, जरा इस ब्रैकेट को सूंघ के देखो। है ना? यस सर, मेरा दिमाग भी खुल गया है। आई ना? जी सर, ब्रैकेट में से गन पाउडर की स्मेल आ रही है। इसका मतलब है गोली कैमरा में से ही चली है, लेकिन इस कैमरा में से नहीं, कोई दूसरे कैमरे में से। अब जल्दी से गोलियां ढूंढो और इस अटेंडेंट को ब्यूरो लेके चलो। जब गोली चली तो तुम कहां पे थे? हैं? कौन सी गोली? हैं? दोनों आंखें फट गई उसकी और पूछ रहा है कौन सी गोली? हमें तो पता भी नहीं चला। गोली कैसे चली?
मुझे नहीं मालूम सर। दो गोली मिली है वहां से। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। अच्छा नहीं मालूम? गोली जब चलती है तो मालूम है क्या होता है, है? नहीं। इतनी जोर से आवाज आती है कि बैंड फट जाती है, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे अटक जाती है, समझे? सर प्लीज मुझे ये सब मत बताइए। तुम्हारे साथ ही अब यही होने वाला है। आंखें कहां गई उसकी? मुझे नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? गोली कहां से चली? मुझे नहीं मालूम। गोली कहां से चली? कहां से चली गोली? सर प्लीज मुझे मत मारिए। आदमी मर गया सर। अभिजीत मर जाएगा वो। मैंने कहा था ना सर, पैंट फट जाती है। देखो फटी है कि नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था सर कि उस कैमरे में से गोली चलेगी। कौन से कैमरे में से? इस कैमरे में से? नहीं, वो जो कैमरा उस आदमी ने मुझे दिया था उसमें से। कौन है वो आदमी? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, रात में मिला था मुझे वो स्टूडियो के पीछे वाली गली में। मुझे 5,000 रुपए दिए थे उसने। 5,000 रुपए दिए और कैमरा भी दिया? हाँ, कहा कि मेरा एक दोस्त आएगा स्टूडियो में तो इस कैमरे से फोटो ले लेना उसकी। कैमरा कहाँ है वो? वो तो मैंने गटर में फेंक दिया। गई भैंस पानी में। गटर में? मतलब एक आदमी ने तुम्हें 5,000 रुपये दिए और एक कैमरा देकर कहा कि जब उसका दोस्त आएगा तो उस कैमरे से उसकी फोटो ले लेना, है? तो फिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि यही आदमी जो मर गया है वही उसका दोस्त है? उस आदमी ने फोन किया था कि वो आने वाला है, साथ में एक लड़की भी है। लड़की? तो ठीक तो है जी। ये चक्कर है, वो लड़की लेकर आई उसे वहां पे। सर वो लड़की भी मिली हुई है सर। मुस्कान को हॉस्पिटल में फोन करो, बोलो उस लड़की को अरेस्ट करो जल्दी से। चलो दिखाओ वो गटर कहाँ है जहाँ पर कैमरा फेंका है। चलो जी सर। वो लड़की मिली हुई है। हाँ सर, वो अंदर ही है कमरे में। जी सर मैं देखती हूँ। अरे ये क्या चली गई?
कैमरा मिल गया। चलो कैमरा तो मिल गया, अब देखते हैं मोक्ष की मौत इस कैमरा से हुई है या नहीं। अभिजीत एक फोटो लेके देखो, समझ गया? यस सर। फ्रेडरिक्स संभालो जरा। पर सर गोली है कहाँ इस कैमरे में? पता नहीं, कहीं ना कहीं तो होगी। अभिजीत पहले फोटो ले ही लो। यस सर। फ्रेडरिक्स सामने से हटो। यस सर। सर मैं देखना चाहता हूँ कि होता क्या है। सर मुझे दो दो दिखाई दे रहे हैं। सर कोई फायर हुआ है सर? एक और फोटो लेके लो। यस सर। मैं लूं सर? हाँ ठीक है, आ जाओ तुम लोग, हम देखते हैं कि होता क्या है। संभाल के गणपति पप्पा मोर। कुछ नहीं हुआ। एक और लेता जाऊं? हाँ हाँ। एक और लो। नहीं सर, इस कैमरे से खून नहीं हुआ है। बराबर आंखों में जाकर लगी है गोली। खून इसी कैमरा से हुआ है। पर सर इस कैमरे से गोली निकलकर सीधी आंखों पे जाके क्यों लगती है? अगर खून ही करना था तो कहीं पे भी गोली मार सकता था। हाँ, आंखों पर ही क्यों? आंखों पर ही क्यों? वैसे मोक्ष की आंखें थी बड़ी खूबसूरत, एकदम अलग लग रही है। नीली आंखें वैसे इंडिया में सर बहुत कम होती हैं। इन आंखों में ही कुछ राज है। इस खून के पीछे इन आंखों का ही कुछ चक्कर है। शायद इन आंखों का इंश्योरेंस होगा सर। ओ विवेक, आओ आओ, ये हमारा नया ऑफिसर है विवेक। विवेक ये सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। हेलो सर। हेलो। और ये इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स। हेलो सर। ये क्या कह रहे थे तुम इंश्योरेंस के बारे में? सर आजकल कुछ लोग अपने शरीर के पार्ट्स का भी बीमा करवाते हैं। कोई आंखों का करवाता है और कोई फिल्म स्टार अपने चेहरे का करवाता है। सुनते हैं कि जेनिफर लोपेज ने तो अपनी बैक साइड का भी बीमा करवाया हुआ है सर। अच्छा, बैक साइड का बीमा? सर ये जेनिफर लोपेज है कौन? तो तुम कहना चाहते हो कि ये मोक्ष शायद कोई एक्टर होगा? कुछ कह नहीं सकते सर, हो सकता है। तुम इस फोटो को लेके जाओ, ये मोक्ष की, और सब इंश्योरेंस कंपनीज में जाकर पूछताछ करो, देखो इन आंखों का इंश्योरेंस है कि नहीं। यस सर। होशियार लड़का है। आपने ढूंढा है सर? तीर निशाने पे लगा, इन्होंने बीमा किया था मोक्ष की आंखों का। ये है मिस्टर टनन, इंश्योरेंस एजेंट, आखिर मैंने इसे ढूंढ ही निकाला। बहुत अच्छा काम किया तुमने विवेक। थैंक यू सर। सर आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, गाने वाला गूंगा हो जाता है और बाल बनाने वाला गंजा हो जाता है। आप भी बीमा करवा लो, फॉर्म भरना बड़ा आसान है, एक 20 लाख का करवा लो। ये लीजिए, आप यहाँ साइन कर दो। हम यहाँ एक खूनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, समझे? ये फॉर्म वॉर्म छोड़ो और ये बताओ मोक्ष ने अपनी आंखों का बीमा क्यों करवाया था? अक्कल वाला था सर, इसलिए करवाया था। आप भी करवा लो, किसी दिन गोली वोली लग जाएगी तो आप ऊपर, कम से कम फैमिली वालों को तो पैसे मिल जाएंगे। मोक्ष ने बीमा क्यों करवाया था ये तो सीक्रेट है सर, ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? कानून कानून है सर, बताना मना है। अच्छा आप ये तो बता सकते हैं कि मोक्ष के मरने के बाद पैसा किसे मिलने वाला है?
हाँ सर, अभी बताता हूँ। पैसा बैंक को मिलेगा सर। बैंक को? कौन सा बैंक? SDG बैंक। मोक्ष वही काम करता था और बैंक ने ही उसकी आंखों का बीमा करवाया था। एक बैंक ने अपने किसी आदमी की आंखों का बीमा क्यों करवाया होगा? ये तो आप बैंक वालों को ही पूछ लो सर। देखो ये बात गलत है, ये पब्लिक का पैसा है। चुप, पब्लिक का पैसा, उस चाप पैसे डाल इस पे, तो गोली मार दूंगा। क्या हो रहा है ये? ए, चल भाग इधर, चल भाग, चल, चल, चल। पुलिस को बुलाऊंगा। सब लोग अपनी जगह पे चुपचाप खड़े हो, चुप। इसने गोली चलाई। नहीं तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती, करियर पर तो काला धब्बा लग जाता। लेकिन आपको इन्फॉर्म किसने किया? किसी ने नहीं, आपके एक एम्प्लॉय की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। किसकी वजह से? आपके यहाँ कोई मोक्ष नाम का आदमी काम करता है। हाँ, क्या हुआ? उसकी मौत हो गई। क्या, मोक्ष मर गया है? कैसे, कब हुई उसकी मौत? आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ कि मोक्ष की आंखों में ऐसा क्या था कि आपको उसकी आंखों का बीमा करवाना पड़ा? आप ये पूछ क्यों रहे हैं? उसकी आंखों का इंश्योरेंस क्यों करवाया था? वो हमारे फॉरेन करेंसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, और ये ब्रांच फॉरेन करेंसी की बहुत बड़ी ब्रांच है। इसी वॉल्ट में, इसी में सारे के सारे डॉलर वगैरह सब रखे जाते हैं। इसे खोलने के लिए ही मोक्ष की आंखें इस्तेमाल की जाती थी। की वजह से मोक्ष की आंखें फोड़ी गई। मैं ये वॉल्ट खोल कर देखना चाहता हूं। अब कैसे खुलेगी ये वॉल्ट? मोक्ष तो मर चुका है। जब वो अपनी आंख इस स्कैनर के ऊपर लगाता था तभी ये वॉल्ट खुलती थी। खुलेगी, जरूर खुलेगी, हम खोलेंगे, क्योंकि इस वॉल्ट के अंदर मोक्ष की मौत का राज है। अच्छा हुआ सर, आप लोग वक्त पे हॉस्पिटल ले आए, मैं बच गया। मैंने पूरी कोशिश की सर, बैंक का पैसा बचाने की पूरी कोशिश की। मैं तुमने वही किया जो एक बहादुर और ईमानदार आदमी को करना चाहिए। शाबाश। अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक है ना? दर्द बहुत है कंधे में। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जान बच गई यही बहुत है। अशोक जी आ गए हैं। आइए आइए अशोक जी, आइए। तो होलोग्राम प्रोजेक्टर ले आए आप? भाई इस प्रोजेक्टर के बिना हमें पूछता कौन है? आप तो ये बताइए कि वो सेफ कहाँ है जिसे तोड़ना है। ये है वो सेफ। हाँ, व्हाट अ ब्यूटी। आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। वो आदमी है कहाँ जिसकी आंखों से ये खुलता है? बीमार है क्या? वो ऊपर चला गया। Oh, I'm sorry about that. उस आदमी की आंखों की कोई फोटो है आपके पास? जी हाँ, ये रही। क्या नाम है इस आदमी का? मोक्ष। मोक्ष, क्या इसे काम चल जाएगा? ये आप देखिए तो। अब मैं मोक्ष की आंखों की स्लाइड को इस स्लॉट में रखता हूं। अब इसमें से एक आंख का होलोग्राम निकलेगा, मतलब एक ऐसी आंख निकलेगी
जो मोक्ष की आंख की जैसी होगी। बिल्कुल ठीक समझे आप। भाई एसीपी साहब, जरा ये लाइट ऑफ करवा दीजिए। हाँ अभिजीत, जरा लाइट्स कम करवाओ। सही, लाइट्स कम करना प्लीज, लाइट्स कम करना। अब आप देखिए इस मशीन का कमाल। जाएगा नहीं मैनेजर साहब, खुल गया। ओह माय गॉड, यहां भी सब गायब, सब कुछ गायब, सब कुछ खाली है। ये सेफ तो लुट चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे ये तिजोरी खोल के देखनी है। हाँ एसीपी साहब, इस सेफ में 5 करोड़ की फॉरेन करेंसी थी। कुछ भी नहीं बचा, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी नौकरी तो गई। अरे तुम्हारी नौकरी क्यों जाएगी? ये सेफ मोक्ष की आंख से खुलती थी, जरूर इस चोरी में उस मोक्ष का ही हाथ है सर, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई है। मोक्ष के साथ कोई और भी मिला हुआ होगा। हाँ, दो लोगों ने मिलकर की है ये चोरी और फिर पैसों के लालच में मोक्ष का खून करवा दिया। सर सेफ में ये बैंडिट है। बैंडिट? जरूर ये उसी चोर की है सर। क्यों, मोक्ष की भी तो हो सकती है ये। नहीं, मैंने मोक्ष के हाथ देखे थे, उसके हाथ में चोट का कोई निशान नहीं है। ये बैंडिट चोर की है जिसने मोक्ष का खून किया है। कुछ तो है सर, कुछ दिख तो रहा है सर। एक प्रिंट है सर। है ना, चलो कुछ तो मिला। चोर ने सारे के सारे पैसे चुरा लिए लेकिन एक बैंडेड छोड़ गया। ये बैंडेड हमारे लिए गोल्ड की है, गोल्ड। निशान काफी साफ है सर। अब हम इस फिंगरप्रिंट से उस खूनी को पकड़ सकते हैं। पर सर, हम इस फिंगरप्रिंट को मिलाएंगे किससे? बैंक में काम करने वाले हर आदमी की उंगलियों से। खूनी उन्हीं में से कोई है। मुस्कान, जब वो लड़की माधुरी हॉस्पिटल से भागी तो वो टैक्सी, रिक्शा, बस किसी चीज में तो बैठी होगी। जी सर। तुम वापस हॉस्पिटल जाओ और वहां फिर से पूछताछ शुरू करो। पहले रिक्शा वालों से पूछो। सर, इस लड़की को देखा है कहीं पे? इस लड़की को देखा है? नहीं। भैया, आपने इस लड़की को देखा है कहीं पे? जरा ये स्केच देखिए। इस लड़की ने हॉस्पिटल के सामने से रिक्शा लिया था। मैडम, ये तो मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी, बहुत डरी हुई लग रही थी, कह रही थी जल्दी चलाओ। अच्छा, कहाँ छोड़ा इसे? वर्सोवा में एक बिल्डिंग के सामने मैडम। चलो मुझे वहां तक ले चलो। विवेक, ये क्या मजाक है एसीपी साहब? मेरे ही स्टाफ पर शक किया जा रहा है। मोक्ष भी आपके बैंक में ही काम कर रहा था ना, तो शायद वो चोर भी यही काम करता होगा। अभिषेक, वहां उस कमरे में बैठो। सारा सामान लगा हुआ है ना? सामान पूरा लगा सर। आप आइए मैनेजर साहब।
सबसे पहले आप आइए। एसीपी साहब जरा देखिए इधर। क्या है? ये सबसे पहले मेरी ही उंगलियों के निशान ले रहे हैं। पैसा देके किसी का भी खून पानी हो सकता है मैनेजर साहब, आपके उंगलियों के निशान मिला के देख लेते हैं। नहीं है तो नहीं सही। आप आइए, आइए आप। नहीं दूंगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? अभी मेरी सगाई भी नहीं हुई सर। सगाई से फिंगरप्रिंट का क्या मतलब है? एक बार हाथ काले हो गए तो कौन शादी करेगा मुझसे? तुमने चोरी की है? क्या बात कर रहे हैं सर। नहीं ना, तो आके फिंगरप्रिंट दो, तुम्हारी सगाई मैं करवा लूंगा। सच्ची? हाँ हाँ। इनमें से कोई हो? मैं तो मोक्ष को जानती भी नहीं थी। मैं तो कभी उससे बात भी नहीं की है। उसने तो कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं है। कैसे हो सकता है सर? दो लोग और हैं ना इस बैंक के जो हॉस्पिटल में हैं, जिन्हें गोली लगी है वो। यस सर, ये फिंगरप्रिंट शायद उनका हो सकता है। शायद उनमें से किसी एक ने मोक्ष के साथ मिलकर ये चोरी की है। हॉस्पिटल चलते हैं। मोक्ष को क्यों मारा? मोक्ष को? मैंने? नहीं नहीं, मैंने मोक्ष को नहीं मारा। तो फिर हॉस्पिटल से भागे क्यों? वो मैं डर गई थी मैडम, क्योंकि मैं ही मोक्ष को वहां लेकर गई थी ना। क्यों? पैसों के लिए मैडम। मैडम मैं एक बार डांसर हूँ, बार बंद हो गया उसके बाद मैं क्या करती मैडम? फिर मैडम ऐसे ही अचानक एक आदमी ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि मोक्ष नाम के एक आदमी को प्यार में फंसाना है। कितने पैसे मिले? 30,000 रुपए। लेकिन मैडम मुझे नहीं पता था कि मोक्ष वहां मर जाएगा। फोन करने वाला कौन था? वो तो मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा नहीं। तो फिर पैसे कैसे मिले? वो कोई आदमी घर पर दे गया था, और हाँ साथ में मोक्ष की फोटो भी दे गया था। सर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों? सर जो आदमी बैंक का पैसा बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया, हम लोग उसी पे शक कर रहे हैं। मैं कहां शक कर रहा हूं? शक तो तुम कर रहे हो। अरे सब आप भी तो कह रहे थे। क्या क्या कह रहे थे हम? कुछ नहीं सर। नहीं नहीं, बोलो बोलो, दिल की बात बोलनी चाहिए अभिजीत, बोलो। अरे सर पहले भी आपने कई बार डुबोया है। कैसे है? सर आपने ही सिखाया है, बाल की खाल निकालनी चाहिए तो, और जिस पर शक ना हो उस पर शक करना चाहिए। हाँ फिर? सर दोनों को एक ही जगह पे गोली लगी, क्या कंधे पे? नहीं, तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो दोनों मरे क्यों नहीं? अरे नहीं सर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि दना दन गोलियां चली मगर दोनों को एक ही जगह पे गोली लगी बस। मतलब क्या है? मतलब बोलो अभिजीत, मतलब बोलो। मतलब ये है सर कि वो गोली चलाने वाला भी मिला हुआ है। वो रॉबर? यस सर। जी सर, जी सर, माधुरी मेरे साथ है। ओके।
ये भाई कहाँ चला गया? अरे आप वहां, ये बेड छोड़ के? जरा बाथरूम गया था। मलिक, मिस्टर मलिक, सो उठाऊं इसे? हाँ उठाना तो पड़ेगा ही, फिंगरप्रिंट्स लेने। थोड़ा संभाल के उठाना पड़ेगा सर, एक तो पहले ही गोली लगी है, कहीं मर न जाए सर। कहीं ये मर तो नहीं गया? उठाओ इसे, उठाओ। मलिक, मलिक, मिस्टर मलिक, सर क्या हुआ? बॉडी एकदम सॉफ्ट हो गई है, रबर जैसी। ये मर गया सर। मर गया? देखो तो। यही है वो चोर, इसने बैंक का पैसा लूटा है। अच्छा ये बताइए कि ये गोली आपको यहाँ कंधे पे क्यों लगी? मैं बच गया, इसका अफसोस है आपको? अभिजीत सही कह रहा था, गोली कंधे में कैसे लगी? अभिजीत इज अ गुड डिटेक्टिव। नहीं कैसा? क्या मलिक भाग गया? Yes, ACP साहब। वो यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए विवेक, किसी भी तरह पकड़ो उसे। जी सर। सर मलिक मेरे सामने ही है सर, सेकंड फ्लोर थर्ड कॉरिडोर, डॉक्टर बन के भाग रहा है सर। अरे तो पीछा करो उसका, पकड़ो उसे। यस सर। हाँ जल्दी। मलिक रुक जाओ। मलिक रुक जा। मलिक रुक जा। पास नहीं आना, उधर गोली मार दूंगा। गोली? हाँ गोली मार दूंगा। चल जा, भाग जा यहाँ से। एक मिनट, चल। ये मैंने क्या किया? मैं डर गया। मैं नहीं। मलिक रुक जा, मैंने कहा ना रुक जा। ए, कहने गोली मार दूंगा। हाँ मार ले, मार। अरे भाग जा, मरेगा। कोई बात नहीं, मगर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो दे, मार। मोक्ष मेरे लिए खतरा बन गया था। मैंने वो सेफ खोली थी, इस काम के लिए मैंने उसे ड्रग्स पिला दी थी। उसे तो पता ही नहीं चला कब उसकी आंख से मैंने वो सेफ खोली, पर बाद में उसे शक हो गया। लेकिन तुमने उसकी आंखें क्यों फोड़ी? मैं नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद बैंक वाले जल्दी से वो सेफ खोल सके। किसी को शक ही नहीं होता कि चोरी हो गई, और तब तक मैं वो पैसे ठिकाने लगा देता, इसलिए उसकी आंखें बर्बाद करना जरूरी था। पर मुझे क्यों फंसाया उसमें तुमने? हाँ बेचारा मोक्ष, मुझे क्या मालूम था तू उसका खून करने वाला है। इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि इसने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। अब इसे फांसी से कोई बचा नहीं सकता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।